खजियावास कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, सैनिक कल्याण भी इनके पास रहेगा, दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं, और जयपुर जिला अध्यक्ष भी हैं। और कल हमने जो तस्वीरें देखी कि प्रताप सिंह खाचरियावास आभार व्यक्त करने गए थे, गोविंद देव मंदिर पैदल यात्रा की थी, कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या इनके साथ थी, ईश्वर ने इनकी सुनी है, चुनाव भी जीते, कैबिनेट मिनिस्टर बने, बड़ा डिपार्टमेंट मिला है, अब जनता की सेवा करने का अवसर है। प्रताप जी, देखिए निश्चित रूप से डिपार्टमेंट देना नेताओं का काम है, नेता सोच समझ कर डिपार्टमेंट देते हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिलता है उस डिपार्टमेंट में काम करना हर मंत्री की जिम्मेदारी है। इस वक्त सरकार को चलाना, सरकार को आगे लेकर आना, क्योंकि 5 वर्ष में जो सिस्टम बिगड़ गया उस सिस्टम को ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तमाम लोग, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और इस वक्त तो सरकार की शुरुआत है, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा है और उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो डिपार्टमेंट मिला आपको, ये पिछले 5 सालों की बात करें तो अलग अलग तरहों से चर्चाओं में रहा, कांग्रेस के भी निशाने पर रहा, ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा इसको व्यवस्थित करने में समय लगेगा? देखिए इसमें कोई दोहराय नहीं कि रोडवेज की स्थिति बिगड़ी हुई है, रोडवेज की स्थिति दिन पर दिन पिछली बीजेपी सरकार ने बिगाड़ी। हम चाहते हैं कि रोडवेज की स्थिति सुधरे, मेरा पर्सनल मामला। अब वो कैसे सुधरेगी, क्या होगा, ये सारा मुख्यमंत्री के साथ बैठकर और पूरी सरकार के साथ बैठकर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जिम्मेदारी के साथ। परिवहन एक बड़ा डिपार्टमेंट और परिवहन व्यवस्था हुआ जो गांव से लेकर शहर से लेकर सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। जिस स्टेट में परिवहन व्यवस्था ठीक होती है तो पब्लिक को रिलीफ मिलता है, और हर पब्लिक ये चाहती है कि हमेशा सरकारी परिवहन अच्छा हो तो बैलेंस रहता है, फिर प्राइवेट परिवहन अपनी मनमानी लागू नहीं कर सकता। पर प्राइवेट और सरकारी परिवहन में कंपटीशन होगा तभी अच्छा परिवहन हो पाएगा। अभी हुआ क्या कि रोडवेज के मरने से हमारी रोडवेज तो बहुत अच्छी रही है, रोडवेज को बिल्कुल आपने इतना कमज़ोर कर दिया, क्योंकि इस पुरानी सरकार की क्या प्लानिंग थी, क्या किया उन लोगों ने मुझे पता नहीं, कि रोडवेज को बहुत कमज़ोर कर दिया। अब रोडवेज को ठीक करने के लिए मैं मेरी तरफ से पूरे कदम उठाऊँगा और सरकार को रोडवेज की सहायता करनी पड़ेगी, बड़ा पैसा देना पड़ेगा तब जाकर ठीक होगी। अब उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी तो डिपार्टमेंट अनाउंस हुए हैं और मैं बहुत खुले मन का आदमी हूँ, खुले दिमाग का आदमी हूँ, मैं अभी बैठे बैठे ये कह दूँ मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बैठेंगे सबके साथ बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, और मैं छुपने वाले आदमियों में नहीं, मैं खुलकर काम करने वाले आदमियों में, जो भी काम दिया जाता है उस काम को करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं खुद चुनौती लेने वाला आदमी, जो भी डिपार्टमेंट, मैंने कोई डिपार्टमेंट मांगा तो था नहीं किसी से, मैंने मुख्यमंत्री जी से तो ये तो कहा नहीं कि आप मुझे डिपार्टमेंट दे दो। अब जो डिपार्टमेंट उन्होंने दिया है सोच समझ कर दिया हो तो किसी को तो कोई तो डिपार्टमेंट चलाना ही है। निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है और चुनौतियाँ शुरू से रही हैं आपके आज सामने। पिछली जो सरकार की बात करें तो रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल हुई, आपने मोर्चा संभाला, उनकी आवाज़ बुलंद की, पीसीसी चीफ सचिन पायलट उनके बीच गए, ऐसे में उन सभी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें होंगी आपसे? क्या बात करते हैं आप, यदि मैं और सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब हमारी सरकार नहीं थी, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी हम दोनों गए तो आज कोई मुंह तोड़ना मोड़ा जा सकता है, जो गए थे उनकी मदद की थी और कहा था कि भाई आपकी जो भी मदद होगी हम वो पूरी सरकार आने पर मदद करेंगे, क्योंकि जब वो हड़ताल पर चले गए तो हम इसलिए गए तो सरकार उनसे बात नहीं कर रही थी, वो लगातार हड़ताल पर रहे, सरकार उनसे बुलाकर बात कर लेती तो ये कह रहे थे हमसे बात कर ले तो ही हम कोई बात ही नहीं कर रहा हमसे। अब उनका गुस्सा अपनी जगह, उनका गुस्सा अपनी जगह है, अब सरकार ने बात नहीं की, हम पहुंचे विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी थी, अब सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी है, तो ये तो हो नहीं सकता कि कल हम पहुंचे थे आज हम कह देंगे कैसा, ऐसा ऐसा नहीं होता, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कोई प्रताप सिंह से ये उम्मीद कर सकता है कि प्रताप सिंह ने कहा और अब बैकआउट कर गया, मैं बैकआउट करने वाले नहीं, अभी आप आ गए तो मैं नीचे उतर के आया ना, ऐसे कभी होता है क्या? प्रताप जी एक सवाल और मेरा कि करप्शन इस डिपार्टमेंट का एक बड़ा पहलू रहा है, आप लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, उसको सुधारने के लिए कदम उठाने पड़े। आपने बहुत बड़ी बात कही, भ्रष्टाचार आजकल शिष्टाचार बन गया, करप्शन इतना ज़बरदस्त है कि उस करप्शन को रोकने के लिए अभी एक सुबह मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उसने कहा साहब मेरे को फ़ोन किया, वो तो पीड़ित आदमी तो करेगा, बोले साहब मैं नाम बताया नवल सिंह बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन मैं सबका उठाता ही हूँ, मैं फरमाइए, बोले साहब मेरी बस का आरटीओ ने 3 लाख का चालान कर दिया था। मैंने कहा मेरे भाई 11 तारीख को रिजल्ट आए हैं चुनाव के, अब आरटीओ ने कब कर दिया, तू फ़ोन पे तो मेरे को पता नहीं तेरी कौन सी बस कहाँ चलती है, अब चालान कर दिया था क्यों कर दिया था, तूने टैक्स भरा था नहीं भरा था, अब कौन सी है, तू कभी आ जाना यार बता देना आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो भी है हर व्यक्ति ये सोचता है कि प्रताप सिंह आया है तो बिल्कुल एकदम, तो अभी व्यवस्थाएँ
सुधारने की पूरी, आप ये मानकर चलिए मैं मेरी तरफ से कसर नहीं रखूंगा, करप्शन की भी रोकने की मेरा मेरी आदत है, मैं आज से मैं पैदा फर्स्ट क्लास से मैं इस मकान में रह रहा हूँ, मेरे फादर ने, मैं यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी सब जयपुर में हुई, इसी मकान में रह रहा हूँ और आज भी बैठा हूँ वहीं पर। ये जो करप्शन का मामला है, ये ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है। अब करप्शन रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, पूरी सरकार और सरकार के साथ साथ समाज। आजकल लोगों की आदत ये हो कि बिना पैसा दिया तो काम ही होने, तो अगला पैसे देगी संतुष्ट, तू पैसे दे ही मत ना भाई, सरकार में आ, रोकेंगे करप्शन को, रोकना होगा। तो पहली प्राथमिकता प्रताप जी 100 दिन का रोड मैप माने लोकसभा चुनाव से पहले? लोकसभा चुनाव से पहले 100 दिन का रोड मैप तो अनाउंस मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री करेंगे, वो तो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, मेरी पार्टी। सुशांत एक अहम सवाल कचहरियावास से जरा पूछे। रोड मैप निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि अब जल्दी ही हम विभागों में शुरू करेंगे। अभी तो क्या माड़ाएं पहनाने वाले इतने आ रहे हैं कि पहले MLA जीत के कल भगवान को धन्यवाद देकर आए। बिल्कुल शुभ अवसर है तो यहाँ पर लोग पहुंच रहे। सुशांत एक अहम सवाल ये है कि कई मंत्रियों को शिकस्त दी थी जनता ने इस बार, लेकिन जिसने वोट दे के जिताया है तभी तो आप मंत्री बने हो। वो घर पे आ रहा है, आप नहीं मिलो तो दिक्कत। अब सचिवालय में बैठ के मुझे लगता है कोई भी मंत्री हो, सुशांत आपको मेरी आवाज मिल रही है, लगेंगे तब पूरा शॉर्ट आउट हो गया, अच्छे ढंग से शुरू हो पाएगा। प्रताप जी ताल जी 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 लक्ष्मी सवाल पूछिए। एक अहम सवाल देखिए, सरकार पिछली सरकार जो रही उसमें कई मंत्री हारे, लेकिन यूनुस खान पर परिवहन विभाग था, और जब यूनुस खान के हारने की खबर सामने आई तो जो परिवहन विभाग के मुख्यालय का जो नजारा था वो बिल्कुल अलग था। वहां के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो ढोल नगाड़े के साथ नाच रहे थे यूनुस खान की हार के लिए। अब सवाल ये कि उस वक्त नहीं पता था उनको कि खाचरियावास के पाले में विभाग जाएगा, अब खाचरियावास को जिम्मेदारी मिली है। आम जनता के साथ साथ क्या वो खुशी जो वो मना रहे थे, और क्या अब इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उनकी खुशी बरकरार रहेगी, उनकी भी डिमांड का, उनके भी कामों का, उनकी भी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, बहुत मुश्किल होगा? बिल्कुल, इसका आधा जवाब तो प्रताप जी ने दे दिया, आधा भी ले लेते हैं। सवाल ये है कि जब रिजल्ट आया था तो यूनुस खान की हार अनाउंस हुई और डिपार्टमेंट के बाहर कर्मचारियों ने जश्न मनाया, वहां जाके उनके खिलाफ प्रचार भी किया टोंक में, तो ऐसे में इस तरह के डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो चाहिएंगे प्रताप जी? एक्स्ट्रा एफर्ट तो मैं पूरे कर दूंगा, अभी बिना नाए आपके साथ बैठा हूँ। आपने कहा तो मैं नीचे आके मैं मेरी तरफ से जान लड़ा दूंगा, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, और भगवान जानता है, पब्लिक जानती है, और मैं खुद जानता हूँ, इसमें कोई दोराय नहीं। हर आदमी चाहता है इजी डिपार्टमेंट मिले, सब चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, अब क्यों दिया वो तो ये जाने, लेकिन मेरे को जो काम दिया उसको मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। और आप ये मानकर चलिए जो कर्मचारी नारे लगा रहे हैं उनके बीच में जाके बात करेंगे, आप चिंता मत करो, भाग के नहीं जाए। उस वक्त कर्मचारियों के नारों का गुस्सा ये भी था कि मिलके बात कर ले, वो कोई पुराने जो यूनुस खान थे उन्होंने कोई इनसे समझौता किया था, वो लिखित में समझौता मैंने देखा, बस उन्होंने समझौता कर लिया, बात नहीं करे। अभी क्या है कि ये जो सरकार एक काम है, यदि शुरू में काम करने की कोशिश की जाए, आजकल क्या T20 का जमाना है, पहले इतने रन मार दो कि बाद में वाली टीम रन नहीं बना पाए, तो कोशिश मेरी होगी मैं पहले ही रन ठोक दूं खूब जम के लोगों में। सुशांत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, मंत्री जी को कहिए कि हम लोगों की भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वेस्ट विशेज उनके साथ हैं कि वो जिस तरीके से विभाग में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और 100% दावा कर रहे हैं कि हम पूरे जोश के साथ और जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे निश्चित तौर पर। जनता